मोंगिया स्टील लिमिटेड की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन टुंडी रोड स्थित मोंगिया ग्रुप के मुख्य कार्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट संतोष मिश्रा, मोंगिया स्टील लिमिटेड के CMD डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा कि हर समस्या का समाधान है, इसके लिए हमें स्वभाव को बदलने की जरूरत है। कहा कि सड़क पर हम जो गाड़ियां चलाते हैं उसमें हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। कहा कि मैं साइकिल से चलता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, सड़क पर मेरे साथ कई लोग मिलते हैं जो मेरे अपने होते हैं। श्री मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बगैर युवाओं के देश चलाना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान समय में अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में बाइक चलाने की छूट दे देते हैं, उसके बाद ही कई युवाओं की जान चली जाती है, जिसके बाद अभिभावकों को अपनी गलती का एहसास होता है। इधर कार्यक्रम को डॉक्टर मोंगिया व ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री उराव ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े आदिल सिद्दीकी समेत अन्य कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। इसको एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे देश के सब नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सख्ती विजन सेट हो। आप जब घर से निकलते हो तो सख्ती से घर से निकलना चाहिए और सड़क को अपनी माँ की तरह मर्यादा देना चाहिए, और जब गाड़ी चलाने के समय पे आप डिस्टर्ब ना हो एक अच्छे मानसिक कनेक्ट चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना से भी डिस्टर्ब के साथ होता है। ठीक है, धन्यवाद। जय। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसमें इंसान बहुत ही खुशी महसूस करता है। आज संतोष मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने सड़क सुरक्षा माह मनाते हुए जो इन्होंने ज्ञान की आज बातें बताई हैं, निश्चित रूप से मुझे इसका मैं हृदय से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इससे बहुत खुशी मिली है, बहुत ही आनंद है। मैं एकदम इस बात के लिए विवश कह पा रहा हूं कि मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है कि कोई भी चीज़ को सोचने का, कोई भी चीज़ को समझने का क्या एंगल हो सकता है, किस तरह से लोग इसको विचार को समझते हैं और रखते हैं। आज इन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नहीं, इंसान सुरक्षा, और मैं आज इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संतोष मिश्रा जी आज उड़ीसा से या जिस तरह से ये साइकिल यात्रा करते हुए सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं, आज गिरिडीह भी आए और हमारे परिसर में आए, हमारे लोगों के बीच मिले और यहाँ पर इन्होंने सड़क सुरक्षा माह में एक एक इंसान की सुरक्षा के साथ साथ और बहुत सारे सुरक्षा की बातें बताई हैं जो इंसान के स्वास्थ्य की, दिमाग की और अन्य चीज़ों की स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत सारी सुरक्षा के उपाय बताए। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज ये कार्यक्रम को मैं सचमुच तब सफल मानूंगा जब आप और हम सब मिलके अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए सब सड़क सुरक्षा माह में मिलकर काम करेंगे और हमारा देश मजबूत और सुरक्षित होगा। धन्यवाद। ट्रैफिक इंस्पेक्टर PD, आज यहाँ जो कार्यक्रम वर्ल्ड साइकिलिस्ट श्री संतोष मिश्रा मेरे साथ हैं मोंगिया कंपनी में के हॉल में ये ऑर्गेनाइज किया गया सड़क सुरक्षा, ये कार्यक्रम वास्तव में माना जाए तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की बहुत बड़ी देन है। ये वहाँ मिले थे SP साहब से, SP साहब ने बोला था ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संपर्क कर लीजिए, बस मैं दिमाग लगाया कि मैं कहाँ प्रोग्राम करा सकता हूँ जल्द से जल्द। तो आज प्रोग्राम जो हुआ तो मानव मूल्य को समझते हुए, मानव मूल्य को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सड़क सुरक्षा तो एक दुर्घटना है, सड़क सुरक्षा के अलावा, सड़क दुर्घटना के अलावा जो अभी कहा गया फैक्ट्री में दुर्घटना, साथ में घर में कोई दुर्घटना सभी जगह रहते हैं। अगर हम जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें, अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, तो दुर्घटना से हम बच सकते हैं, अपने बहुमूल्य जो शरीर है अपने आप को अपने बचा सकते हैं। देश में बहुत ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है जिसमें महान लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो दुर्घटना से खुद तो हम दुनिया से चले जाते हैं लेकिन औरों को भी हम नुकसान पहुँचाते हैं।